रुको, मुझे जाने रुको। दो। तुम बगोटा नहीं जाओगे, वहां खतरा है। मुझे परवाह नहीं, मैं अपने बेटे के बिना अब नहीं रह सकता। स्कार को पकड़े बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला है। हम और तुम अब साथ नहीं रह सकते। मेरा यकीन करो एस्पेंज़ा। तुम कुछ सुनना चाहती हो? जब मैं जेल गया तो मैंने सोचा कि कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम मेरे ऊपर कभी भी शक नहीं करोगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ किया है? मिकेला, वहां गांव में शानदार पार्टी चल रही है। तुम मिकेला बात तो सुनो। हाँ ये भी ना, सुनिए, मैं अभी बाहर मिकेला से मिला, उसकी हालत काफी खराब है। इनकी हालत पहले से स्टेबल है, पर अब ये कभी चल नहीं पाएंगे। इनकी स्पाइन में गहरी चोट लगी है। इनके इलाज में जो भी हो सकता था हमने वो सब किया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। पर आप हिम्मत मत हारिए, मैं इनको कुछ थेरेपीज बताऊंगा जिससे इनके कुछ बॉडी पार्ट्स जल्दी काम करने लगेंगे। लेकिन मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ये जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रहेंगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। आपको तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि इनकी जान बच गई। मुझे लगता है कि इंजीनियर रिकार्डो ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार है। क्या बात है मारी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस थक गई हूं। मैं समझता हूं। वैसे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सब इस वीकेंड घूमने के लिए कहीं बाहर जाएं? तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मारियाना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें यह आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, क्या कहती हो? एक्सक्यूज मी, ऑफिस से फोन है, मैं अभी आता हूं। ठीक है। हेलो बॉस, पेशेंट जिंदा है पर वो कभी चल नहीं पाएगा। स्कार की कोई खबर? अभी कुछ पता नहीं चला है। पेशेंट को अभी एक हफ्ते और हॉस्पिटल में रखेंगे, और वो जब उनसे मिलने के लिए आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये मुझ पे छोड़ दो। वहाँ उस औरत के साथ कौन रहता है? उसके साथ उसकी कजिन रहती है जो हर वक्त रोती ही रहती है। जरा गौर से मेरी बात सुनो, तुम वहां से हिलना मत, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए बहुत खास है, वो जरूर आएगा। मैं आपको खबर करता हूं। मुझे माफ कर दो माँ, आपने मेरी बात नहीं मानी और देखो ये सब क्या हो गया, और उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। मेरा वादा है कि मैं इस सब की जड़ को खत्म कर दूंगी, मैं अकेले ही करूंगी, और ताकि एक नई शुरुआत हो। सुना तुमने माँ?
मारे जाओ। बकवास बंद करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या तुम्हारी माँ के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है? सुना है कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है ना? मैं तुम्हारी हालत इतनी बदतर करूंगी कि अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम। अच्छा, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। अच्छा, मैंने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है, और मारियाना के साथ? बताओ तुमने क्या किया, सही किया? क्या तुमने गलत नहीं किया? मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। तुम अपने बिल से आखिर कब बाहर आओगे ना समझ? अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाते? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तब मैं तो मेरे सामने आओ। किस लिए? ताकि मुझे मार दो और मैं तुम्हारे सबूत सामने ना ला सकूं? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे तुम? अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सही है। अरे बोला ना, फिक्र मत कर, हो जाएगा रे। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले। हाँ, नो अल्कोहल। अब भेजा मत का, चल रख। हेलो हेलो हेलो, तेरी जैसी खूबसूरत लड़की को किसने रुला दिया? अंदर क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है, अंदर चलेगी क्या? अंदर ड्रिंक्स है, तेरे लिए सब कुछ है। आना आना। आजा आजा, देख तेरे को बहुत मजा आएगा। आजा जा, आजा 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 डार्लिंग, ये तेरे लिए। कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है? तेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए? काय को हड़बड़ी कर रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोरिंग हो, चलो डांस करते हैं। साथ क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे बस स्टेशन पर ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। यही मिलना। पता नहीं कहाँ चली गई वो। ये म्यूजिक सुनो। तुम मुझे म्यूजिक सुनने को कह रहे हो? मिकेला को ढूंढना है, भूल गए? कुछ नहीं को, बैठो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ है। ओके, देखो मुझे तुमसे एक जरूरी मदद चाहिए। जैसे ही निकेला हमें मिलेगी, मैं अकेला बोगोट हो जाऊंगा। कह रहा क्या चाहते हो? कहा ना, बात खत्म। एस्पेरेंजा से झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, बस प्लान बदला है। ओके, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। को बैठो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। ओके, वादा करो मुझसे। को बैठो। ओके, ये लो, इसे रखो, मैं फोन करता रहूंगा, चलता हूँ। हे, कैसे हो दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हो, पार्टी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जाओ ना। थैंक यू। बहुत कड़क है तू। अब उनके पास एक कड़क आइटम आई है। वो अपने धंधे के लिए बिल्कुल सही है, बोले तो तैयार हो जाएगी रे, वो मैं कर दूंगा। निकेला यहां क्या कर रही हो? क्या तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मेरे साथ चलो। नहीं। चलो मेरे साथ, मेरी बात समझो, चलो यहां से।
ये मेरे साथ है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये मेरे साथ है। छोड़ो से, छोड़ो तुम। निकेला, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो मेरे साथ चलो, चलो। मुझे क्या? तो क्या जबरदस्ती ले जाऊँ? हाँ, छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे। ए, चलो, नहीं, अरे, नहीं, क्या हो रहा है? नहीं दे सकते, नहीं, अरे, चल। ए, हटो, हटो, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। झगड़ा शुरू किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मत पकड़ो, मैंने कोई गलती नहीं की। प्लीज इन्हें बाहर लेकर जाइए। लग जाओ, उन्होंने यहाँ पर सभी लोग एक लाइन में। हाँ, तुम भी आओ, चलो उधर। हाँ, नहीं कोई गलती नहीं, चलो उधर जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, हाँ आ जाओ, जाओ। चुपचाप सब बाहर निकलो, चलो बैठो अंदर, चलो अंदर से बैठ जाओ, कोई नखरे नहीं दिखाएगा। जल्दी जल्दी अंदर चलो सब लोग। ए चलो जल्दी ऊपर चढ़ो। हे रुकिए, रुकिए ऑफिसर, रुकिए रुकिए, वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। हम उसे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, उसे वहीं से आके ले जाना। पुलिस स्टेशन? चलो चलते हैं। घबराना मत, बोलो ना, मैं थाने आके ले जाना। चलो 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 चलो। अगर ये मुझे ब्लेस्ट प्रिजन देगा तो सब कुछ खत्म। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या तुम स्पैनियर हो? अपने काम से काम रख, मैं तुम्हें धक्का मारता हूँ, मुझसे झगड़ा करो, समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? क्या कर रहे हो तुम, मुझे छू क्यों रहे हो? तू पागल है क्या? मैंने तुझे कब छुआ? लड़की के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है तू? बोल मत, पीछे हो, मुझे मत समझा, मत छू कर रहा है उसको। झगड़ा कर रहा है ऐसा क्या? अरे सो प्रो रहा है, शाम हो गया, बस बैठ जाओ, कैच भी नहीं, समझा? ए रखो मत, तो और से ये बोला तो भाग जाओ। ए मैंने कुछ नहीं किया, गोली मत, मुझे भी जाना है, पकड़ो, भागो जल्दी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं भी पूछना चाहता हूँ, निकेला और जूलियट कहाँ है? अच्छा बैठो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी सब बताता हूँ। भागने की कोशिश कर रहा है, देखो हमें ट्रक से छलांग लगानी पड़ी क्योंकि वो हमें पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, तुम समझ रही हो? किसी तरह वहां से जान छुड़ाई, हमें मिकेला को ढूंढना होगा अभी के अभी। हाँ, देखो तुम वापस जाओ, अगर पुलिस ने देख लिया तो फिर से पकड़े जाओगे, तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहना, मेरी बात को समझो प्लीज। मैं क्या समझू, क्या करूँ? क्योंकि जूलियन जब बोगोटा जा रहा था मैंने उसे वादा किया था। अच्छा ठीक है, हमें किस तरफ जाना है बताओ, कहाँ जाना है अब बताओ। देखो गाड़ी आगे से राइट लेना और गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। हाँ
जूलियन, जूलियन, रुको 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 रुको, मैं देती हूँ, ये लो, चलो जल्दी करो, जल्दी आओ। हाँ, वो लोग उस तरफ गए थे, मैं इस तरफ गया। हाँ। पुलिस उन दोनों के पीछे गई, तब तक मैं इस तरफ से निकल गया था, मुझे डर है कहीं वो पकड़े ना गए। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, देखो तुम उधर जाओ, मैं वहाँ जाती हूँ, हम स्क्वायर हाँ। पर एक घंटे में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, एक घंटे में। हाँ हाँ, एक घंटे में तुम जाओ। हाँ मैं तुम्हें मिलता हूँ। तुम बहुत ही घटिया किस्म के हो रिकार्डो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है और तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम खुद को बचा नहीं पाओगे और तुम्हें सच को उगलना पड़ेगा, समझे ना तुम? रिकार्डो तुम नहीं बचोगे, उम्मीद है तुम्हें बुरे वक्त से ना गुजरना पड़े, पर अब तुम शायद ही बचोगे रिकार्डो, शायद ही। ये केस तो कुछ अजीब ही हो गया है और इसी से हमारा शक बढ़ रहा है। ये रही कैमिला, शुरुआत रिकार्डो से करते हैं। ये है उसकी एक्स वाइफ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये बचा रही है शामिल है। वैसे ये आइरीना मेंडोजा कौन है? हमारे पास सिर्फ यही एक सबूत है, यह है रेमिरोज, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और यह हमारे हाथ नहीं आ रहा है। यह उस कंपनी में ऑर्डर परचेज करता था और सप्लाई अप्रूव करता था। यह है जूलियन, यह उस कंपनी में इंजीनियर है, इसका काम है उस कंपनी में आने वाले सारे बिल पे साइन करना, उसे पास करना और वर्कसाइट पे भेजना। हाँ, पर वो सप्लाईज कभी हाइड्रोस्फीयर पहुंचे ही नहीं, सारे के सारे पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए गए थे, फाइल्स में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। तुमने सही कहा। आप कॉफी पीने वाले हैं या नहीं? हाँ थोड़ी सी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बिल तो जनरल मैनेजर साइन करता था, फिर ये सब कुछ। इसके साथ जो है वो रिकार्डो है। तुमने सही पहचाना, मुझे लगता है ये दुरोतो की एक्स वाइफ का पार्टनर है, लोग इसे विक्टिम समझ रहे हैं जबकि वो है नहीं, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि कैमिला और पेट्रिसिया के कत्ल में भी इसका कोई हाथ नहीं है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि हमें कातिल तक पहुंचना ही होगा। कातिल जूलियन भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये हो, सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी कड़ी है वो ये इंसान है, इसका नाम है स्कार। हाँ, पर हम ये नहीं जानते कि ये दुराते के साथ था या नहीं था। इसी बात का तो हमें पता लगाना है। देखो, इससे हमें सुराग मिल सकता है। अगर हमने मेंडोजा को ढूंढ निकाला ना, तो पहली सुलझ जाएगी। अगर हमने मेंडोजा को ढूंढ निकाला ना, तो पहली सुलझ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ, थैंक यू।
हेलो। अरे सुनो, पहचाना, हम गाड़ी में मिले थे। अरे पहचानने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, भागने की कोशिश मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो तुम अपना मुंह बंद करो, सुनो। कहाँ गया वो? उस तरफ। हे, सुनो, पास मत आना वरना कूद जाऊंगी। संभल कर प्लीज बेटा। ऐसा कुछ मत करना बेटा, संभल कर। यही तो मैं करना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर मैं कूद गई तो सब खत्म हो जाएगा, जूलियत की तकलीफ खत्म हो जाएगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम किसी के लिए तकलीफ नहीं हो। पर उसने तो मेरी आंखों में देखकर यही कहा कि वो मेरी वजह से जा रहा है क्योंकि मुझसे उसे तकलीफ होती है, यही कहा। तुम यही चाहती थी ना बेटा कि हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त गुजारें। पर अब जूलियन मुझसे नफरत करता है। जूलियन की बात बंद करो, तुमसे कोई नफरत नहीं करता। उसे अपने मामलों को सुधारना है तो क्यों ना हम अपने रिश्ते सुधार लें बेटा। नीचे आ जाओ बेटा, मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। चलो संभल कर। तुम कहाँ थी? पीछे आओ। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बेटा। नहीं, तब कहाँ थी जब डैड मेरे साथ वो सब कर रहे थे? तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, पर तुम तो मुझे नुकसान पहुंचा रही हो मुझसे सबसे प्यारी चीज छीनकर। बेटा मैं नहीं मिकेला। अपने आप को संभालो मिकेला, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझी तुम? तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। जूलियन मुझसे नफरत करता है। नहीं बेटा, नफरत करता है वो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का मौका दो बेटा। हम किसी शांत जगह पर चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, मेरे साथ चलोगी ना बेटा? सिर्फ तुम और मैं होंगे। क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं बेटा, घर नहीं जा सकते। डैड को अभी ट्रिप पर जाना है, समझे? मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी नहीं आ सकते। जब मैं आऊंगा तो हम दोनों साथ चलेंगे और दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। ओके, जहाँ पर वोल्केनोज है? हाँ, वहाँ पे वोल्केनोज है। I love you. अपना मुंह ऊपर करो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। पारो, तुम भी, तुम सबको भी बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी करो, चलो अपना आईडी कार्ड दिखाओ और बाहर आओ। चलो देखो, मुझे इसके अंदर से ड्रग मिला है। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे वो लोग जा रहे हैं। ये कोबे तो कहाँ चला गया? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ, क्यों ना तुम वहाँ बैठो, मैं कोबेटो का पता करके आती हूँ, ठीक है? कुछ गर्म पी लो, मेरा यहीं पर इंतजार करना। यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है? मैं आ जाऊँगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ कोबेटो को ढूंढ कर, ठीक है? तुम यहीं बैठो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जूस चाहिए, आप दे सकते हैं प्लीज? जल्दी दीजिए। अपने हैंगओवर को फ्रूट जूस से ठीक करेगी? मैं तेरे को बियर खरीद के देता है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपुन तो ऐसे ही आया है। दो बियर देना। नहीं नहीं, मुझे जूस ही चाहिए। अरे अपुन के साथ बियर पीना, फिर अपुन तेरे को कंट्री हाउस लेके चलता है। तेरे को जो चाहिए मिलेगा, अपुन देगा ना तेरे को। बाथरूम कहाँ है? हाँ उधर है।
क्या तुम्हें फ्लेमिंगोज इतने पसंद है? हाँ, ये पिंक क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक खास तरह की काई खाते हैं जिससे ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, इसलिए इनका कलर पिंक होता है और तुम्हारे जैसे खूबसूरत दिखते हैं, समझी मेरी छोटी बच्ची? ये बहुत खूबसूरत है, हम इन्हें देखने कब जाएंगे? ये तो नहीं पता, पर मेरा वादा है कि इन्हें देखने तुम और मम्मी जरूर जाएंगे। समंदर के किनारे इन्हें देखेंगे, कितना मजा आएगा वहां पर, है ना? चलोगी ना मम्मी के साथ, है ना? ये ड्राइंग कितनी अच्छी है और पिंक तुम्हारा फेवरेट कलर है ना बेटा? सुन, वो अपुन को मिल गई है, एक घंटे में अपुन आता है तेरे पास। अच्छा सुन, पसंद आएगी तेरे को। अरे, कहाँ जा रही लिए? तेरा जूस तो खत्म करके जाना। चेस। चेस। तेरे को एक बात पता है, अपुन के मॉम और डैड की शादी इधर ही हुई थी। उस पार्क के बेंच पे मेरे डैड ने प्रपोज किया था। क्या हुआ डार्लिंग, तू ठीक तो है ना? क्या? तू ठीक है? बोला? ओ नहीं, रुको जरा। तेरे को कुछ मांगता है तो मैं ऑर्डर करूं क्या? मुझे पानी चाहिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ए, इसको पानी दे रहे, जल्दी। तू बोलेगी तो कहीं और लेके चलूं क्या तेरे को? अरे कहीं खुली जगह में। नहीं, मेरी मॉम। चलना खुली हवा में। हाँ। नहीं। क्या हुआ? अरे उधर चल, तेरे को अच्छा लगेगा। आजा आजा आजा, आराम से। ठीक है, आराम से। ठीक है। अरे टेंशन लेने का नहीं, अपुन है ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। अपुन तेरे माँ से मिलवाएगा ना तेरे को। आजा आजा आजा, बैठ बैठ। के साथ ये वही घटिया आदमी है जो हमें पार्टी में मिला था पर भाग गया था। तो अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना होगा ना। मैडम, मेरी बेटी अभी उस आदमी के साथ गई, आप जानती है वो उसे कहाँ लेकर गया होगा? प्लीज बताइए। तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर तुमने हमारी बात को नजरअंदाज किया तो हम पुलिस के पास जाके तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। सुनिए मैडम, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो आदमी मेरी बेटी को ले गया, आपको पता है कि वो कहाँ लेकर गया होगा? उसे बताइए प्लीज, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बताने वाली है, उसके साथ मिली हुई है। ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। एक मिनट मैडम, रुकिए। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसके साथ रॉबर्टो था, वो उसे मिस्टर डोरांगो के फार्म पर ले जाने वाला था। कहाँ मिलेगा?
इस इलाके में बहुत फार्म है, वो कहाँ गया पता नहीं, और उनके फार्म्स पर जिस्म फरोशी का धंधा। जिस्म फरोशी का धंधा? तुम कहना क्या चाहती हो? चलो बाहर चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, चलो। कार को रोको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार को रोको। अरे एड़ी है क्या? चल उठ, उठ। अरे उठ ना। नहीं नहीं छोड़ो। अरे चल उठ, तेरे को बोला ना। कहाँ ले जा रहे हो? अरे उठ, नहीं तेरी बॉम्ब के पास ले चल रहा हूँ। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो। आजा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। चल आराम से अंदर चल। यही रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। थैंक यू। जरा बताओ तुम्हें क्या हो गया रोबेरो? तुमने कहा था कोई बढ़िया सी चीज लेकर आओगे, देखो क्या चीज लाए हो तुम। जरा इसकी हालत देखो, कितना खून बह रहा है। अरे एड़ी लड़की है, गाड़ी से कूद गई थी है। लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इसको खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होगा, हमें इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। एक बार इसका फिगर तो देखो। कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ इसे कोयोटो के पास ले जाओ, इसे नहलाओ धुलाओ, बेचने के लिए तैयार करो, मुझे इसके अच्छे दाम चाहिए, समझ गए ना? ओके बॉस, आजा आजा। लड़कियों के साथ तुम्हारा व्यवहार बुरा होता जा रहा है, हा? क्या किया इसके साथ तुमने? अपुन ने कुछ नहीं किया, इसे नहला धुला के तैयार कर। नो बेबी, खूबसूरत सिर्फ ऊपर वाला ही बना सकता है, बस इसे थोड़ा खूबसूरत करने के लिए मैं इसे हाई हील्स और बिकिनी दे सकती हूँ। ए सुन, अपुन को इसको खूबसूरत दिखाना है ताकि ग्राहक इसको खरीद सके, समझी क्या? जरा ध्यान देना इस पे, फूल होने में टाइम नहीं लगाएगी ये। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कितना डोज दिया इसे? अरे वही जितना देता हूँ। अगर तुमने ज्यादा दी हो तो तुम बॉस को क्या कहोगे? तो रेंगो ने ध्यान नहीं दिया इस पे, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो वही हाल करेंगे जो बाकियों का करते हैं। प्लंबर। हाय गाइस। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा दिख रहे हो। हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया। आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा है किसी पुलिस वाले ने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें जब तक यहाँ रहना रह सकते हो। थैंक यू।
और इसे अपना ही घर समझना। जब तक रहना चाहते हो आराम से रह सकते हो, ना यहाँ खाने की दिक्कत है ना ही पीने की। थैंक्स ब्रदर। वैसे एस्पेरेंजा तुम्हारे साथ नहीं आई? मुझे तो ये पता चला था कि तुम दोनों यहाँ के लिए साथ में निकले हो, फिर वो कहाँ रह गए? साथ थे पर अब नहीं है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है और अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। पर तुम्हें नहीं लगता यहाँ आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है? हाँ दोस्त, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। सही कहा। मैं जानता हूँ तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। आ जाओ कुछ खाते पीते हैं, आ जाओ। तुम्हें गद्दा दे दूंगा, यहीं लगा के सो जाना। यहाँ हवा काफी अच्छी आती है और नजारा भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। रिलैक्स, 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 मुझे मदद करने दो। मैं कहाँ हूँ? फार्म हाउस पर हो तुम? कुछ लोगों के लिए स्वर्ग है और कुछ लोगों के लिए नरक है। अब फैसला तुम्हें करना है। अब जरा तुम्हारा हुलिया ठीक ठाक कर दूं, वरना हम दोनों की दोनों मुसीबत में आ जाएंगी। मेरी बच्ची एस्पेरेंजा, मॉम, मॉम मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम जूलियन से बहुत प्यार करती हो, पर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रिलैक्स, ये दवाई का असर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादा पानी पियो और अब तुम आराम करो। समझ गई ना तुम? मुझे माफ कर दो।